नमस्कार, मैं राहुल देव। आज मैं आपको पतरातू की सैर करवा रहा हूं, लेकिन इस बार घाटी की नहीं, वहां के लेक की सैर करवा रहा हूं, यानी झील की। झारखंड सरकार के अथक प्रयासों का नतीजा है कि आज पतरातू झारखंड के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। झारखंड सरकार के पर्यटक विभाग द्वारा पतरातू लेक रिसोर्ट का निर्माण करवाया गया है। पतरातू लेक रिसोर्ट, पतरातू वैली रिसोर्ट शहर के भीड़ भाड़ और कोलाहल से दूर ऐसे पर्यटन स्थल है जहां बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग और युवा यानी हर उम्र के लोग रोमांच और खुशी का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ बच्चों के लिए खेलने के लिए भव्य चिल्ड्रन पार्क भी है और दूसरी ओर वाटर पार्क में विभिन्न प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स भी मौजूद हैं, जैसे जेट स्ट्रीम, हाई स्पीड मोटर बोट, पैडल बोट, कश्ती और कई तरह के वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने हाई स्पीड बोट का आनंद लेने का विचार किया और अब देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये हाई स्पीड बोट अपनी गति से झीलों को चीरते हुए आगे बढ़ रही है। जब आप इसमें सफर करते हैं तो आपको एक अलग प्रकार का अनुभव, अलग प्रकार का आनंद आपको देखने को मिलेगा, जो शायद ही आपको कहीं और इसका अनुभव मिल पाए। यह इलाका पूरी तरह से पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। यह हाई स्पीड बोट में जो चलाने वाले हैं वो गोवा से आए हुए हैं। गोवा के ट्रेन ये ड्राइवर हैं जो पूरी तरह से बोट को स्पीड में भी नियंत्रण के साथ चलाते हैं ताकि आप किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। तो आप देख रहे हैं ये बोट किस स्पीड से जा रही है और इस यात्रा का आनंद आपको और दुगना हो जाता है। कभी कभी आपको इस झील में विदेशी पक्षी यानी जो हमारे मेहमान पक्षी हैं उसका भी आनंद ले सकते हैं, लेकिन वह ठंड के मौसम में वो पक्षी साइबेरियन पक्षी यहाँ पे आते हैं। गर्मी में वो पक्षी अपने घर फिर लौट जाते हैं। इसलिए इस समय मई यानी मई के महीने में मैं इसका जो भ्रमण कर रहा हूँ इसमें साइबेरियन पक्षी नहीं है, लेकिन जब भी आप ठंड के मौसम में आएंगे तो साइबेरियन पक्षी का भी आनंद ले सकते हैं। पतरातू लेक रिसोर्ट में विभिन्न प्रकार के पक्षी भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, यानी बोटिंग के समय अक्सर पक्षी बोट के आसपास ही उड़ते नजर आते हैं। कई पक्षी प्रेमी सैलानी उन्हें दाना देकर भी अपनी ओर बुलाते हैं और अपने कैमरे में इसे कैद करते हैं। पतरातू की सुंदरता वहाँ आने वाले हर सैलानियों को अपनी ओर बरबस आकर्षित कर लेता है। पतरातू की भौगोलिक स्थिति और अकल्पनीय इंजीनियरिंग ने पतरातू रिसोर्ट को एक उभरते हुए पर्यटन केंद्र की रूप में स्थापित किया है। पतरातू में लगभग 21 एकड़ में फैला हुआ यह पतरातू लेक रिसोर्ट है। यहाँ म्यूचुअल दीवारों पर बनाई गई चित्र कलाकृतियों, सजे हुए प्रवेश द्वार, दीवारें और स्तंभ गोदना चित्रकला की याद दिलवाते हैं। इसलिए जब कभी भी आए तो यहाँ जरूर आएं और बोटिंग की सवारी जरूर करें। धन्यवाद।